खरगोन जिले के भगवानपुरा के सिकलीगर समाज के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में एक बार फिर समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है और शासन प्रशासन से अपनी मूलभूत सुविधाओं को दिलाने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि सिकलीगर समाज को घुमक्कड़ जाति के प्रमाण पत्र देने की बात सामने आ रही है, इसके लिए शासन स्तर पर दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में एक अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिलने से समाज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस दौरान समाज के गोविंद सिंह ने बताया कि समय समय पर शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जो चिंता का विषय है। इसी बीच समाज ने आने वाले समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर समस्या निवारण की बात भी कही है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। दिक्कतें आ रही है और शासन द्वारा हमको घुमक्कड़ जाति में सिकलीगर समाज को जो 51 जातियाँ आती हैं उनमें ले भी लिया है, लेकिन फिर भी हमें जो घुमक्कड़ जाति के जो प्रमाण पत्र हैं वे वितरित नहीं किए जा रहे हैं। हम आपके चैनल द्वारा शासन से ये मांग करते हैं कि हमें घुमक्कड़ जाति में जो लिया है, 51 जाति के अंतर्गत हम आते हैं, तो हमारी समाज सिकलीगर समाज के हमें प्रमाण पत्र दिए जाए ताकि हमारे बच्चे को उसका आरक्षण मिल सके, छात्रवृत्ति मिल सके, हॉस्टल की सुविधा मिल सके। अभी हम सभी जो ये सुविधा है घुमक्कड़ जाति की, उससे हम वंचित हैं। हम शासन से पुनः प्रयास करते हैं, काफ़ी समय से हम मांग करते आ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि शासन हमको इसकी स्वीकृति भी दे दी है, फिर भी हमारे लाख प्रयास के बाद भी हमें ये प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, तो हमारे प्रमाण पत्र दिए जाए ये हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से। पहले भी इसको लेके आवेदन दिए हैं आप लोगों ने? जी हाँ, आवेदन किए हैं, विज्ञापन दिया तहसील द्वारा, तहसील में विज्ञापन दिए हैं। क्या अभी क्या समस्या क्या आ रही है? अभी समस्या हमारी प्रमाण पत्र की काफ़ी समस्या आ रही है, हमें प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र जो है वो हमको नहीं मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह जी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।